हेलो फ्रेंड्स, नदीम फ्रॉम मुंबई टैटू। आज हमारे सामने है ये सारे बॉडी पार्ट्स, ईयर्स, नोज, नेवल, आईब्रो, लिप्स और ईयर्स में राइट और लेफ्ट जो है, इसको पियर्सिंग करने के लिए जो नया कार्ट्रिज गन आया है, जिसके बारे में मैंने एक पहले बताया था, जो सिर्फ ईयर्स के लिए यूज होता था। ईयर्स में आप लोब पियर्सिंग से लेके हेलिक्स तक पियर्सिंग कर सकते हो, वो कार्ट्रिज गन, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया आपको कि लाइक स्टेपलर के जैसा है, उसके अंदर लॉक होता है और ये जस्ट प्रेस कर देते हो आप और वो हो जाता है। ठीक है, तो ये सैंपल्स है। आपको अगर पियर्सिंग किसी को सिखाना है और वो लोग को बॉडी पार्ट्स की जरूरत है, तो हमारे पास मॉडल मिलते नहीं है, तो मॉडल नहीं मिलते तो हमारे पास अभी ये सैंपल्स आए जो हम लोग मुंबई टैटू सप्लाई में सेल करते हैं। तो ये प्रोडक्ट के ऊपर आपके स्टूडेंट को सिखा सकते हो और सेल भी कर सकते हो। तो ये जो पियर्सिंग है कैसे यूज होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। और उसके पहले एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि इससे ईयर पियर्सिंग होता था और अभी हमारे पास एक और आया है जिससे नोज पियर्सिंग भी होगा। नोज पियर्सिंग, आप बराबर सुन रहे हो, नोज पियर्सिंग को लेके काफी प्रॉब्लम क्रिएट्स होते हैं। हमेशा लड़कियां परेशान होती है कि नोज पियर्सिंग करें कैसे। हम गन से अगर करते हैं, नॉर्मल गन अटक जाती है उसमें और उसके स्टड भी बड़े बड़े आते हैं, तो नोज पियर्सिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज हम लोग नोज पियर्सिंग भी करेंगे और ईयर पियर्सिंग भी करेंगे। दोनों डेमो भी दिखाऊंगा मैं आपको इसके ऊपर और प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल ईयर्स के लिए मैंने पहले बताया है और अभी नोज के लिए मैं प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा और ईयर्स का जो है डेमो में बता दूंगा, तो आपको पता चलेगा कि डेमो भी किस तरह से यूज होता है। तो हम लोग अभी इसको यूज करेंगे। सबसे पहले ये इधर एक ओपन करने के लिए छोटा सा पार्ट दिया जाता है जिसके ऊपर प्लास्टिक नहीं होता है। ठीक है, आपको इसको ओपन करना है इजीली, ऐसे इस तरह से आपको उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप ग्लव्स पहन के भी कर सकते हो, विदाउट ग्लव्स भी कर सकते हो उसमें, क्योंकि इसका जो स्टड है उस पर अपने फिंगर्स टच नहीं होते क्योंकि वो बहुत अंदर है। तो ये हम लोग ने इसको निकाल दिया। इस तरह से स्टेपलर टाइप होता है और ईयर वाले में लॉक होता है और नोज वाला, जिसके बारे में मैं बता रहा था, उसमें जो है लॉक नहीं होता है, इसके अंदर लॉक नहीं होता है, वो नोज के लिए यूज होता है। और उसका जो स्टोन होता है वो 2 mm होता है और इसका जो स्टोन होता है वो 3 mm और 4 mm होता है ईयर्स के लिए। तो अभी ये ईयर्स वाला है, मैं आपको बता दूं किस तरह से इसको आपको यूज करना है। आपको जस्ट इसको लेना है और लेने के बाद में सबसे पहले आपको मार्क करना है। तो अब मैं अभी मार्किंग करके आपको बताता हूँ, फिर आपको पियर्स करना है। तो अभी हम लोग डेमो पे पियर्सिंग करेंगे और डेमो पे भी हम लोग को मार्किंग करना है, जैसे हम लोग क्लाइंट के ऊपर मार्किंग करते हैं वैसे डेमो पे भी मार्किंग करना है। आपको इस तरह से मार्किंग कर लिया। मार्किंग करने के बाद में कस्टमर का जो ईयर्स है वो स्ट्रेट होना चाहिए, मतलब उसका फेस सीधा होना चाहिए। अगर आपने उसको थोड़ा सा भी टेढ़ा किया तो पियर्सिंग टेढ़ा हो जाएगा। जैसे ये पियर्सिंग है, पियर्सिंग अगर आपने टेढ़ा सा रखा इस तरह से, अगर आपने पियर्सिंग किया तो इसके कान पे जाने के बाद वैसे क्रॉस पियर्सिंग होगा, डाउन किया तो डाउन की तरफ जाएगा, ऊपर किया तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो कस्टमर का जो ईयर्स है वो स्ट्रेट होना चाहिए। स्ट्रेट होने के बाद फिर जस्ट आपको इसको प्रेस करना है। तो ये नोज वाला है और अभी हम लोग ईयर्स वाला एक ओपन करेंगे। ये ईयर्स वाला है जिसके अंदर लॉक होता है, तो देखने कभी भी जो लॉक वाला है वो ईयर्स के लिए होता है। तो हम लोग इसका जो ओपन पार्ट है वो यहाँ से देखना है जहाँ पे ट्रांसपेरेंट नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, यहाँ से हमने इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद में ये मार्किंग है, ये इसको निकाल दिया। निकालने के बाद जस्ट आपको इसको स्ट्रेट रखना है और स्ट्रेट रखने के बाद जस्ट स्टेपलर के जैसा इसको प्रेस करना है। तो ये हम जो कस्टमर है इसको हम लोग ने सीधा रखा है और ये सिलिकॉन ईयर्स है। इसके अंदर कितने भी पियर्स करो आप वापस रिमूव कर सकते हो, फिर से आपके क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स लोगों को समझा सकते हो, सिखा सकते हो। तो यहाँ पे आपने इसको रखा और ये जो डॉट है वो स्ट्रेट होना चाहिए और आपका स्कर्ट भी स्ट्रेट होना चाहिए, आपका कार्ट्रिज गन भी स्ट्रेट होना चाहिए और इसको इजीली आपको प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद में ये खुद से ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद में ये निकल जाता है और निकलने के बाद में ये लॉक इसमें टाइट हो जाता है और ये रिमूव हो जाता है इस तरह से। तो ये पूरा अभी डिस्पोज करना है आपको, इसका कोई यूज नहीं। और आप देखोगे इसमें कान में ईयर्स में ये लॉक भी लग गया, दिख रहा है आपको बराबर से, और यहाँ पे स्टोन्स भी आ गए। तो ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ऐसे ही आपको क्लाइंट्स में भी करना है। मैंने इसका एक बिफोर वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने एक मेरी फ्रेंड्स को किया है और वो वीडियो आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच। और अभी मैं नोज के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो नोज का आपको बता दूंगा और नोज का ये वीडियो पूरा देखना आप, क्योंकि इसमें नोज का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोज का अभी तक किसी ने वीडियो भी नहीं बनाया और ये नोज के लिए अभी जो आया है ये हमारे पास भी अभी नया ही आया है, इसके बारे में कभी मैंने बताया भी नहीं है और कभी मैंने यूज भी नहीं किया। तो इसको अभी हम लोग यूज भी करेंगे और बताएंगे भी। तो ये नोज का है और ये जैसे यूज होता है वैसे ही नोज भी यूज होता है। तो सेम अभी मेरे पास ये नोज है, मैंने नोज के लिए कस्टमर को पूछ लिया पहले उसको राइट चाहिए कि लेफ्ट चाहिए, तो हम लोग ने इधर
कस्टमर के लेफ्ट में और हमारे राइट में एक मार्किंग कर लिया। ठीक है, मार्किंग करने के बाद में हम लोग को सेम इसको भी इसी तरह से यूज करना है। ये भी मैंने अभी ओपन करके रखा है, अभी मैंने इसको प्रेस करना है। तो इसमें लॉक नहीं है और इसमें जो स्टर्ट टिक रहा है इसके साइड पे आपको एक एरो दिखेगा, वो एरो जो है वो अंदर पियर्सिंग के अंदर रुक जाता है, तो वो कभी भी पियर्सिंग निकलने का चांसेस नहीं रहता है। तो हम लोग को इसको नोज को भी इस तरह से ही करना है। ये वाला जो पार्ट है ये आप नोज के अंदर डालोगे, ठीक है, और इसको भी स्ट्रेट रखना है। स्ट्रेट रखने के बाद जस्ट इसको प्रेस करना है, लाइक सेम ओनली। ये प्रेस हो गया और ये प्रेस होने के बाद में निकल जाता है, आपको इसको निकाल देना है। और यहाँ से इजीली प्रेस कर दिया आपने, ये पूरा पियर्सिंग अंदर हो जाता है। अगर ये ऐसे आधे पे अटकता है तो आपको प्रेस कर देना है कि नोज में पियर्सिंग हो गया, और ये भी सेम वैसे आपको डिस्पोज करना है। तो नोज पियर्सिंग अभी मैं प्रैक्टिकली मेरी बेटी के ऊपर करने वाला हूँ, जिसका नाम है ज़ारा बाटली वाला, और उसके ऊपर अभी प्रेस पियर्सिंग करूंगा। वो मेरी बेटी है, आप देखना मैं मेरी खुद अपनी बेटी को कर रहा हूँ, मतलब वो कितना सेफ होगा और कितना हाइजीन होगा और कितना सूटेबल है, देखो उसको। सो वीडियो कंटिन्यू होगा अभी और प्रैक्टिकली मैं अपनी बेटी पे करूंगा। तो ज़ारा प्लीज आप आ जाओ इधर, हम आपके ऊपर एक पियर्सिंग करेंगे। शी इज माई डॉटर, नदीम बाटली वाला डॉटर, ज़ारा नदीम बाटली वाला, से हाय। तो अभी मैं मेरी बेटी को पियर्सिंग करूंगा, नोज पियर्सिंग। तो ये हम लोग इसको एकदम ओपन वाला जो है सील पैक 100% सेफ, ठीक है। तो ज़ारा आपको राइट में पियर्सिंग चाहिए कि लेफ्ट में? आपका राइट या मेरा लेफ्ट? ठीक है, तो हम लोग ने पहले ग्लव्स पहन लिया, ठीक है। कोई भी क्लाइंट्स के ऊपर अगर आप कर रहे हो ग्लव्स पहन के किया तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है। तो आप हमेशा सेफ काम करो, कस्टमर को बैठा के पियर्सिंग करो, कि कभी उसको चक्कर वक्कर आए तो नॉर्मल हो जाए। बट माई डॉटर इज स्ट्रॉन्ग, तो मैं इसको भी नहीं बिठा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो में फिर वो और छोटी हो जाएगी। तो अभी ये मेरे को देखो, तो क्लाइंट है तुम्हारे मेरे लिए, ओके। ये फेस इसका स्ट्रेट है और ये इसका नोज है, ठीक है। अभी इसका नोज सबसे पहले मैं अल्कोहल पैड है उसके साथ उसको ओपन करूंगा। ठीक है, तो ये अल्कोहल पैड है जिसको अल्कोहल स्वैप बोला जाता है, इससे मैंने नोज क्लीन कर दिया अच्छे से। तो ये फलक भी आई है, मेरी एक और बेटी है जिसका नाम है फलक, फलक बाटली वाला, वो भी आई है, लेकिन उसको पियर्सिंग नहीं करना है। तो जिसको करना है, हाँ हाँ, क्योंकि वो डिसइंफेक्टेड किया ना, ये 2 mm का स्टड है, ठीक है, और ये ब्लैक कलर का है। आपको ब्लैक चाहिए कि व्हाइट चाहिए? ये ब्लैक कलर का स्टोन है, हम लोग ने जो नोज में किया था ये व्हाइट है, इसी तरह भी हम लोग ब्लैक स्टोन कर रहे हैं। तो ये भी सेम अपने को यहीं से ओपन करना है। ओपन करने के पहले मैं इनको पूछ लूं मार्किंग इनका किधर चाहिए। हाँ, तो अभी एक मिनट, नाक ऐसे करो, हाँ, तो ये मैंने एकदम मिडिल में किया है। तुमको मिडिल में चाहिए कि आगे चाहिए? थोड़ा सा आगे, तुम रिंग भी पहनोगे ना, देखो। तो नोज में 3 टाइप के पियर्सिंग होते हैं, एक फ्रंट होता है जिसमें रिंग भी पहना जाता है, हाँ, तो हम थोड़ा सा आगे करेंगे जिसमें ये आगे लाइफ में रिंग भी पहन सकती है। तो अभी इसके ऊपर हम लोग पियर्सिंग कर रहे हैं, नोज पियर्सिंग, दिस इज वेरी वेरी इजी। अच्छा, इसके कान में पियर्सिंग भी मैंने नहीं किया था, जब ये छोटी थी ना तो इसके ईयर में पियर्सिंग करना था, तो उसकी मम्मी को मैंने बोला कि बाबा मेरे से नहीं होगा, लेकिन अभी ये मैं करूंगा, ये डोंट टच। तो ये पॉइंट है और ये पॉइंट से इसकी नोज में पियर्सिंग होगा। फलक कम, इफ आई क्राई आई एम सॉरी, फलक कम, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, होल्ड योर सिस्टर हैंड ना, जल्दी आओ फटाफट, जब उसको चाहिए तुम्हारा हाथ तो दो ना। ये मेरे बच्चे, इसके लिए मैं थोड़ा सा वीडियो इस तरह से बना रहा हूँ। तो ये यहाँ पे अंदर जाएगा जैसे सब मैंने बताया, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से ये प्रेस होगा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोल के मैं पियर्सिंग करूंगा और ये पियर्सिंग हो गया। कितना इजी है ये, वेरी नाइस, फलक क्लैप करो, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो शी गॉट पियर्सिंग, नोज पियर्सिंग, शी इज 14 इयर्स ओल्ड और इसने भी नोज पियर्सिंग कर लिया है, और उसके डैडी ने उसको किया है,
और ये वीडियो आप देखना, लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और लोगों को बताना भी कि एक बाप एक बेटी को पियर्सिंग कर सकता है, ये पियर्सिंग इतना सेफ है और इसको मैंने खड़े खड़े किया है, इसको चक्कर भी नहीं आई, कुछ नहीं आई, इसी स्ट्रॉन्ग है ना। और पियर्सिंग करके अभी कैसे लग रहा है, थोड़े से आंसू निकल रहे हैं, थोड़े से टीयर निकल रहे हैं, वो नोज में अगर आप कुछ भी करोगे ना तो वो आंख से रिलेटेड ही होता है तो वो निकलते हैं, तो वो पेन नहीं है, बहुत इजी और सॉफ्ट है। और ये इसकी नोज में पियर्सिंग हो गया ब्लैक कलर का स्टोन और ये परमानेंट हो गया, एक महीना के ऊपर होगा, वेरी नाइस। ओके, तो नोज पियर्सिंग के लिए सबसे ईजी वाला जो है ये फॉर्मेट है और इसको आप भी यूज कर, जरा आप जाइए बैठ जाइए, थैंक यू वेरी मच। तो नोज पियर्सिंग के लिए अगर आपको ऑर्डर करना है तो गार्ट्रेज नोज पियर्सिंग गन आपको बोलना है और पियर्सिंग करना है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, हैप्पी वुमेन्स डे। अभी कल वुमेन्स डे, मैंने आज वीडियो बनाया, ये डेट मेरे को याद रहेगा, 7th मार्च 2022 आई पियर्स माय डॉटर नोज विद कार्ट्रिज गन। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय।